विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में कई रियायतों की घोषणा हुई, लेकिन जलदाय विभाग ने इसके उलट पानी की दरों को बढ़ा दिया, बीपीएल परिवारों तक को नहीं बख्शा। नए टैरिफ के अनुसार घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर करीब 10% अतिरिक्त भार आएगा। वहीं इस श्रेणी के सबसे बड़े उपभोक्ता जिनका उपयोग 40,000 लीटर से ज्यादा है को पानी की दर 55 पैसे प्रति 1,000 लीटर ज्यादा देने होंगे। कमर्शियल श्रेणी में भी दरें बढ़ाई गई हैं। 15,000 लीटर तक पहले 9.90 रुपए चुकाने होते थे, अब 10.89 रुपए प्रति 1,000 लीटर देने होंगे। 40,000 लीटर से ज्यादा पानी उपभोग करने वालों को अब 24.20 रुपए के बजाय 26.62 रुपए चुकाने होंगे। सिर्फ घर ही नहीं, उद्योग धंधे चलाने हैं तो भी पानी महंगा खरीदना होगा। औद्योगिक दर भी सरकार ने बढ़ा दी है। औद्योगिक कनेक्शन में पहले 15,000 लीटर तक पानी के 38.50 रुपए प्रति 1,000 लीटर देना पड़ता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को 42.35 रुपए प्रति 1,000 लीटर देना होगा। वहीं 40,000 लीटर से अधिक पानी काम में लेने वाले उपभोक्ताओं को अब 55 की जगह 60.50 रुपए प्रति 1,000 लीटर देने होंगे। नया कनेक्शन लेना भी सरकार ने अब महंगा कर दिया है, इसके लिए अब 550 की जगह 605 चुकाने होंगे। बीपीएल परिवारों को 110 के बजाय 121 रुपए, अघरेलू उपभोक्ता को 1100 के बजाय 1210 रुपए, औद्योगिक उपयोग के लिए 2200 रुपए के बजाय 2420 रुपए चुकाने होंगे। उधर मीटर बंद होने की स्थिति में ली जाने वाली एवरेज रीडिंग और उससे बनने वाले बिल की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। विभिन्न श्रेणियों में 55 से लेकर 132 रुपए तक मीटर शुल्क बढ़ाया गया है। साफ है कि चारों खाने आम जनता पर ही मार पड़ने वाली है। सरकार ने एक साल बाद ही पानी की दर बढ़ा दी है, जिससे लाखों लोगों की जेब पर भार बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल से पानी महंगा होगा और मई में आने वाली बिल में बढ़ी हुई राशि जुड़कर आएगी। राजधानी में ही करीब 4,70,000 जल उपभोक्ता हैं। अब देखना है कि सरकार इन बढ़ी हुई दरों को वापस लेती है या फिर पानी में आग लगने का इंतजार किया जाएगा। इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब लोगों को पीने का पानी ही नहीं मिल रहा, कई जगह आंदोलन तक हो रहे हैं, तो महंगा पानी हलक से कैसे उतरेगा।